हमें ये सो हेलो काम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मेरा टाइम पास तो हो नहीं रहा है। आज मेरे साथ आ रखा है मेरे भाई, इसे आप जानते होंगे, इसका नाम है आशु। और कुछ टाइम पास हो तो नहीं आता घर पे, सोचा कि कल कहीं चलें, पर कहाँ चलें कुछ पता ही नहीं कहाँ चलें। लगे तो हैं हम, जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको दिखाएंगे। पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं आएगा तो मत करना भाई, ठीक है। तब आपको दिखाते इस रहते हैं निकल तो जहाँ हम जहाँ हम चुके जाएँ। हैं। और गाड़ी में तेल तो है नहीं, न्यूटन चल रहे हैं, और पता नहीं कहाँ चल रहे हैं यार, कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा इस साइड पूरा इलाका है बासर पट्टी साइड है। और घड़ी घड़ी में मेरे को जुकाम लग रखा है, और मेरे को लग रखे हैं पेचिस। अब भरोसा नहीं है मैं कहाँ पे बैठ जाऊँ। सो गाइस, हम चल तो रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे और अगर कैसे। गाड़ी का तेल खत्म हो जाए तो धक्का यही मारेगा पीछे से अनमोल भाई। और क्या बोले फिर, व्यू तो बहुत भारी तगड़ा आ रहा है यार यहाँ का, यहाँ देख ले अंकल। तो हम रहे हैं आशु अनमोल ब्लॉग, या सर वाइंस भी हमारा ब्लॉग भी, अगर हम करेंगे तो करेंगे क्या, वेंचर रोस्टिंग भी कर रहे हैं। अच्छे माले भी है बोहिमिया हमारा, बैंक तगड़ा वाला सीन है। सो गाइस, इन घनी वादियों में हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं। आज का ब्लॉग का हमारा टाइटल है, हम जा रहे हैं कहाँ। हम तो राजा ना, कोई अंदर बहुत ही गरीब इंसान है और हम चल रहे हैं न्यूटन में, क्योंकि तो यार ऊपर का तो देख लेंगे हम, किसी गाड़ी पर सवा सवा बांध के आ जाएंगे, उसकी लोड नहीं हमें। पर खैर, हम जा रहे हैं न्यूटन लेके, विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आपको मीटर दिखाए, हम बहुत गरीब है बहुत ज्यादा। गाइस देखो, इसको आप देख सकते हो, पर बहुत बहुत वारी फटाफट चल भाई, जुकाम लगे बहुत ज़्यादा तगड़ा बाबा। गढ़ वाले आप लोगों को समझ आते हैं, मुझे पता है किसी किसी को। गाइस व्यू देखो आसपास का, पता नहीं कौन से जंगल में आ रखे यार हम। अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का, अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूट्रल है, अभी हमारा तेल नहीं फूक रहा है। हमने डला रखा है 80 रुपये का तेल, और दूसरी रोड आने वाली है, वहाँ जाके सोचेंगे कहाँ जाना है। सो गाइस, यहाँ पे तो उतर चुके हैं हम, यहाँ पे जा रही है दो रोड, एक जा रही है चमियाला के लिए, और गाइस एक जा रही है हमारी बूढ़ा केदार के लिए, और हम ऊपर से आए थे, ये गई बिना खाल के लिए। हेड टेल करते हैं फिर देखते हैं, यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। अगर हेड आएगा तो हम बूढ़ा केदार चले, अगर टेल आएगा तो हम चमियाला की ओर। अरे सीकर नहीं आएगा, कुछ सीकर नहीं होगा तो हम सीधे ऊपर बिना खाल की तरफ। सिक्का तो ढूंढ लो पहले। गाइस हमने हेड टेल कर लिया है, मेरा आया हेड, और हम जाएंगे बूढ़ा केदार। चमियाल जी जब परेशान हुए कि यार तक तेज जाम हो कुजान यार भयंकर, ये तो तुम पछाड़ दे बोलता क्या उधर नो, पहले सिक्का तो लियो। सिक्का मन कर मात्र राजा। फाइनली हमने तो सोच लिया है बूढ़ा केदार ही जाएंगे। मुझे देख रहा है एक सिरपल, देखता हूँ मैं सही है कि खराब है। सो गाइस, सिरपल तो मिल गया है, इसे बेच के 20 रुपये का तेल लेंगे हम। चलते हैं बूढ़ा केदार, दिखाते हैं आप लोगों को। आज तो हमारा बूढ़ा केदार जाने का इरादा है, क्योंकि गरीबी यार गरीबी। गाइस गाड़ी होने वाली स्टार्ट, आने वाला हमारा तेल का खर्चा, हम चलते हैं बूढ़ा केदार की तरफ। और क्या पता रास्ते में धक्का मारने की नौबत आए। मातर राजा, चलो भाई बैठो, चल चल तू चल ले, पर गाड़ी स्टार्ट तो कर। देख लिया आपने, तेल की वजह से स्टार्ट भी नहीं हो रही भाई गाड़ी, इतनी गरीबी आ रखी हम पे। तो गाइस आपको अभी गाड़ी के ऊपर। सो गाइस आपको दिखाते हैं आज बूढ़ा केदार, मंदिर पे तो नहीं जाएंगे हम, पर बूढ़ा केदार जा रहे हैं फिलहाल, दिखाते हैं आप लोगों को। देख रहा है चेक अप व्यू, दिखाते हैं आपको हम राजा। ये यहाँ पे नेपाली कपड़े धोने हैं, ये है गधेरा यहाँ पे गाड़ी घोड़ी धोने का।
ओ भयंकर खर्चा आ गया, खर्चा आ गया। विकास की हो रहा है क्या ये कदम? शायद इतनी अच्छी रोड टैम दिखा दे, टैम दिखा दे, टैम टैम। हम आपको डैम दिखाते हैं, पहले चाने का दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस ये रहा नीचे डैम। जीरा बूढ़ा किदार आगे हमारे बीच में खच्चर खुचर तेर का बोलो ना वो वहां चल लो खच्चर खच्चर। ये आगे सबसे खतरनाक रोड बस कहाँ चले भाई। सो गाइस हम बूढ़े केदार तो पहुंच चुके हैं। आपको हमने हमने आपको मार्केट दिखा दिया। अब भरवाते हैं 100 रुपये का तेल गाड़ी पे, बहुत ज़्यादा करीब आ रखी है। और आप चलते हैं यहाँ से सीधा घर की ओर। बेरोजगार गाइस, बेरोजगार याद रखना। सो गाइस हम बूढ़ा किदार भी गए थे, वहाँ से भी आ चुके हैं और बहुत चूना लग गया यार मेरे पे आज, बहुत तगड़ा वाला क्या ही बोलूँ मैं। अब 100 रुपये का तेल डलाया भयंकर, 1 लीटर भी पूरा नहीं दे रहे यार, 700 ml दे रहे हैं। दोबारा नहीं आऊँगा मैं यहाँ मात्र राजा। हम जा रहे हैं आपका घर, बहुत हो गया खर्चा। अब मेरे को लग रहा है चुका 10 रुपये मेरे पड़े हैं जेब पे दवाई के लिए। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब करो, क्या पता यूट्यूब से रुपये आ जाए, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। सो गाइस ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं घर की ओर। अगर मन बनेगा तो हम दूसरा ब्लॉग भी लाएंगे, आप लोग ऐसे कमेंट करना। तो मिलते हैं आपके दूसरे वीडियो में।